तो अर्णब गोस्वामी की पर्सनल लिबर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में। एकमात्र इंसान जो 7 दिन जेल में रहता है, 4 से 5 हियरिंग हो जाती है सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को उसकी पर्सनल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन एक 83 साल का बुजुर्ग आदमी जिसको आप कोविड के समय पे बीमार हालत में उठाकर ले जाते हैं, झारखंड से आप महाराष्ट्र ले जाते हैं, उस आदमी को पार्किंसंस की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इतना डिमांड करता है, वो अपनी बीमारी का भी बहाना नहीं बनाता, वो सिर्फ इतना कहता है कि हाथ हिलते हैं, पानी का ग्लास नहीं पकड़ सकता, सिपर अवेलेबल करा दीजिए। सिपर मिले या नहीं मिले, उसके लिए NIA कोर्ट कहता है 20 दिन बाद सुनवाई होगी कि सिपर आपको देंगे कि नहीं देंगे। ये पर्सनल लिबर्टी वर्ड याद रखिएगा जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पर्सनल लिबर्टी लगता है इस देश में सिर्फ अर्णब गोस्वामी के लिए है, या फिर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सत्ता के कहने पर काम करते रहे। जो आप अगर आदिवासियों के लिए आवाज उठाएंगे तो बहुत आसानी से आपको माओवादी कनेक्शन बोलकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही तो है स्टैन स्वामी कौन है? लगातार पिछले 3 से 4 दशक से वो कम से कम कितने आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ चुके हैं। जिस दिन उन्हें अरेस्ट किया गया, जिस दिन उन्हें पकड़ा गया, उससे 2 दिन पहले उन्होंने ये बात उठाई थी कि आखिर इतने लोगों को नक्सल कह के आप जेल में क्यों बंद कर देते हैं, जबकि उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं होता है और वो लोग अंडर ट्रायल रहते हैं। स्पीडी ट्रायल उनका होना चाहिए और उनको एक बॉन्ड के को भरवा कर, जैसा अर्णब गोस्वामी के साथ किया, बॉन्ड भरवाया ना, वैसे बॉन्ड भराकर क्यों नहीं बाहर आप उसको भेज देते हैं? स्पीडी ट्रायल कीजिए, जो भी हो दोषी उनको आप सजा दीजिए। इतनी सी डिमांड करना बहुत बड़ा ये अपराध हो गया था? उसके ठीक 2 दिन बाद उनको किन किन आधार पर कि भैया आपके कंप्यूटर से ये सामान मिला, किसने डाला कंप्यूटर में सामान कुछ नहीं पता, कहां से आया नहीं पता। स्टैन स्वामी मना कर रहे हैं मेरा कोई भी किसी के साथ संबंध ही नहीं है, बीमा कोरेगांव तो मैं आज तक गया ही नहीं जिसके चक्कर में आप मुझे पकड़ रहे हैं। कुछ प्रूव नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं। इस आदमी के खिलाफ तो सुइसाइड नोट था अर्णब गोस्वामी के खिलाफ, जिसमें नाम है अर्णब गोस्वामी का और 2 और लोगों का। उनकी पर्सनल लिबर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है इस देश में, और ये आदमी पानी का सिपर तक भी नहीं ले सकता, इसको पानी का सिपर तक भी नहीं दिया जाएगा, इनका स्पीडी ट्रायल तक नहीं होगा। स्पीडी ट्रायल तो दूर की बात है, पानी का सिपर इनको दिया जाए या ना दिया जाए उसके लिए कोर्ट आपको 20 दिन आगे कर देगा। और ये 7 दिन के अंदर अंदर, आपको नाम गिनाऊं कौन कौन लोग कितने समय से कोर्ट जो है जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उसके बाद उनको अगर छोड़ भी दिया गया है किसी को, तो कितने लंबे समय तक। कौन है जिसको सुप्रीम कोर्ट से इतनी जल्दी लिस्टिंग मिल जाती है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे ने यह लेटर भी लिखा था, इसका जवाब है किसी के पास? कोर्ट में ही जब ये हियरिंग हो रही थी, जस्टिस चंद्रचूड़ उसको सुन रहे थे, इंदिरा जी उसको सुन रही थी, तब ये सवाल कपिल सिब्बल ने भी रखा था कि कितने केसेस में हमने देखा है कि उनको हियरिंग ही नहीं मिलती है, हियरिंग नहीं मिलती है और आगे मामला जो है टरका दिया जाता है। उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास, क्यों नहीं था भाई जवाब? आप सारा का सारा पर्सनल लिबर्टी आप सिर्फ अर्णब गोस्वामी के समय पर याद करेंगे और फिर कहेंगे कि बाकियों के साथ भी ना इंसाफी होगी। वो बाकियों की कब लिस्टिंग होगी? आप हम अगर कोई भी केस हमारे ऊपर हो जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी लिस्टिंग कर लेगा? वो भी ऐसे कोविड के समय में वर्चुअल हियरिंग चल रही है, कितने सारे इंपॉर्टेंट केसेस है जो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। अर्णब गोस्वामी को बेल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल अगर अर्णब गोस्वामी का राइट है तो बेल इस देश में हर किसी का राइट है ना। पर्सनल लिबर्टी के सिर्फ एक आदमी की चलेगी, और सिर्फ इसलिए चलेगी कि भैया आप जो काम कर रहे हैं वो सत्ता को बड़ा पसंद है। ये कौन से कनेक्शंस हैं, ये क्या चल रहा है देश में? तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ रहा? आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर दिया आपने। पर्सनल लिबर्टी की बात करते करते हम लोग आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेंगे? मैं आपको सुधा भारद्वाज देख लीजिए, वरवरा राव देख लीजिए, वर्नोन गोंजाल्वेस देख लीजिए, आनंद तेलतुंबडे देख लीजिए, गौतम नवलखा, स्टैन स्वामी, उमर खालिद, ये सब लोग जेल में सड़ रहे हैं। इनकी पर्सनल लिबर्टी के बारे में कोई बात नहीं करेगा? क्योंकि ना इनके पास अपना एक फैंसी चैनल है जिस पे बैठ के वो अपना ढोल नगाड़े बजवा सकें, 1000-1500 रुपए दे के भीड़ इकट्ठी कर सकें और फिर दिखा सकें, बड़ी बड़ी बातें हुल दे सकें, सत्ता को ये दिखाने की कोशिश कर सकें वहां की, महाराष्ट्र की, कि भैया तुम मेरे से हार गए हो, बड़ा बड़ा नाच गाना कर सकें। ये सब नहीं है ना इनके पास? इनके लिए बोलने के लिए कोई नहीं है ना? ये बेचारे स्टैन स्वामी लोगों की, आदिवासियों की लैंड रिफॉर्म्स पर बात करते रहे, 5th शेड्यूल अभी तक इम्प्लीमेंट ठीक से क्यों नहीं हुआ है उसके ऊपर हमेशा सवाल खड़ा करते रहे, लैंड बैंक्स नहीं होने चाहिए उससे उनका कितना नुकसान होगा इस पर वो बात करते रहे, ये उनकी गलती है ना? यानी आप आज ये तरीका बहुत अच्छा अपना लिया गया है आदिवासियों के हक में बोलकर, देखिए
और फिर आपको नक्सल के साथ जोड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, और इनकी पर्सनल लिबर्टीज हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देती है। बहुत बढ़िया, ताली बजानी चाहिए इस काम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस कि यहां पर नॉट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ संविधान की किताबों में पढ़ा था, लेकिन ऐसा लगता है वो सिर्फ पढ़ने लायक ही रह गया है, इम्प्लीमेंटेशन में अब कुछ भी नहीं दिखेगा। हम भी आगे याद रखेंगे अर्नब गोस्वामी की ही तरह, और कितने लोगों पर अब और FIRs होती हैं, और कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट उन पर लिस्टिंग करता है। लेट्स सी, नाउ लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस, ये ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। और आप भी आवाज उठाइए, आज आवाज नहीं उठाई तो सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी ही है जिसके हक की बात इस देश में होती रहेगी। ना आपकी पर्सनल लिबर्टी का कोई ख्याल रखेगा, ना हमारी पर्सनल लिबर्टी का कोई ख्याल रखेगा, ना आपके पिता की, ना आपकी बहन की, ना आपकी माँ की, कुछ भी, कोई भी आपको कभी भी किसी भी मामले में फंसा देगा, सड़ते रहिएगा फिर जेल में, पर्सनल लिबर्टी गई तेल लेने, यही होगा। अनलेस एंड अंटिल योर नेम इज अर्नब गोस्वामी, रिमेंबर दैट।